अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, यूनुस हबीब एक ऐसा किरदार है जो कि आज मीडिया पर अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा है और चीदा चीदा लोगों के राज भी फाश कर रहा है। एक तासुर सामने हमारे ये भी आ रहा है कि अब तक नाम उन लोगों के लिए गए हैं या उनके राज अफशा किए गए हैं जो सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ हैं। आज यूनुस हबीब इतना ही मरकज़ निगाह बना हुआ है तमाम मीडिया का, तमाम लोगों का, तमाम सियासतदानों का, जितना कल तक मंसूर एजाज। फ़र्क है तो सिर्फ ये कि मेमोगेट को लेकर पीपल्स पार्टी की जानिब जो उंगलियां उठ रही थी, आज वो मेहरान गेट को लेकर नून लीग पर उठ रही हैं। आईएसआई पे अगर बात की जाए तो आईएसआई मेमोगेट में भी उसका उतना ही चर्चा रहा था और अब मेहरान गेट में भी उसी का नाम आ रहा है। सवाल मुख्तसर सा ये है कि ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या कुछ हासिल भी होना है या सिर्फ ये वक्त का ज़िया है? क्योंकि जब हम मंसूर एजाज की बात करते हैं, अगर हम उसके पास की बात करते हैं तो उसकी भी हमें कहीं क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आती और यही सब कुछ इस वक्त मंसूब है जो अब आज के यूनुस हबीब जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद जानना भी ज़रूरी है और आने वाली जो सियासी पार्टीज़ हैं, आने वाले वक्त में जो सियासत मुल्क में होने जा रही है, तो शायद जब ये इशूज़ खुल के अवाम के सामने आ जाए तो अवाम को एटलीस्ट सियासतदानों का असल चेहरा पता चले या हमारी जो एजेंसी सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जिस तरह से पैसे का ज़िया करिए और जिस तरह से पैसे का हेर फेर होता रहा, हमारे यहाँ बैंक्स किस तरह से इन्वॉल्व रहे, एजेंसीज किस तरह से इन्वॉल्व रही, एटलीस्ट आवाम को उसकी आगाही हो। जो पैनल गेस्ट है उसका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ और उसके बाद हम इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। और इस वक्त जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमाएं शर्मिला फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। पीटीआई के सिंध के प्रेसिडेंट हैं नईमुल हक साहब, वो भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ लाहौर से मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ज़ईम कादरी साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, उनसे बात करूँ, शाहीन सहबाई साहब जो कि किसी तारुफ की यकीन मोहताज नहीं है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, लिखते रहते हैं द न्यूज़ में, लिखते हैं जंग में, लिखते हैं। आज उनका हमने एक राइटअप पढ़ा जिसमें उन्होंने क्लियर ये बात किया कि यूनुस हबीब ने जराइम का एतराफ़ किया है, अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनको ऐसी मिसाल बना दे और उनको जो अपने मुँह से गुनाह का एतराफ़ कर रहा है उसको उसकी सज़ा भी मिला और उनके जो माजी रहा है उस पर भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। इस तरह टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बजाय इसके कि मैं ये बात करूं बेहतर है कि हम उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन सबाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाहीन सबाई साहब, आज आपका जो राइटअप मैं देख रही थी और आपने जो यूनुस हबीब के हवाले से लिखी, आज आप कहते हैं, बल्कि यूनुस हबीब कहते हैं कि जी उनको ये तो याद है कि शहबाज शरीफ को उन्होंने अपने हाथ से पैसे दिए, उनको ये भी याद है कि आफ्ताब शेरपाओ को अपने हाथ से पैसे दिए, उनको नवाज शरीफ का नाम भी याद है, उनको वो तमाम नाम याद है जो कि आसिफ अली जरदारी के, सदर आसिफ अली जरदारी के मुखालफिन में जिनका शुमार होता है। लेकिन जो आज सदर आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े हुए हैं या वो खुद भी हैं, उनको पीपल्स पार्टी के किसी शख्स का नाम याद नहीं है। ये तमाम बातें इस पर थोड़ा सा कॉमेंट्स कीजिएगा कि बेसिकली ये मसला क्या है और जो कंट्रोवर्सीज अब उनसे जुड़ रही हैं उस पे भी बात कीजिएगा यूनुस हबीब से की। जी देखिए, ये मैंने बड़ा क्लियरली लिखा भी है और ये बात वाजे भी होती जा रही है कि ये यूनुस हबीब साहब का जितना भी पोजीशन वो ले रहे हैं कुछ पॉलिटिकली टिल्टेड पोजीशन है। उनको किसी ने आगे इस वक्त पुश किया है कि जी आप जाके ये इस किस्म की बातें करें, कुछ लोगों के नाम लें, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो पहले वो बातें करते रहे हैं और जो पहले छपता रहा है वो सारा का सारा आजकल तो छुप नहीं सकता, वो हमारे सामने है। मैंने एक उनका 1994 का एक इंटरव्यू जो बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू है वो भी कोट किया है और उसमें उन्होंने जरदारी साहब का नाम भी लिया, बेनजीर भुट्टो का नाम भी लिया, उन्होंने शेरपाओ का नाम भी लिया, नवाज शरीफ का नाम भी लिया, उन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट्स भी दिए। और 1994 में मेरे ख्याल है उनकी मेमोरी आजकल से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो वो अब वो किसी का नाम नहीं ले रहे और वो सिर्फ उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हैं आजकल। तो ये उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस पे चैलेंज हो सकती है। और दूसरी बात जो मैंने लिखी है कि वो सिर्फ एक वाहिद इस पूरे केस में शख्स हैं जो गवाह हैं जिन्होंने सारी की सारी बातें एडमिट की हैं, सारी के सारे अपनी जो उनके रॉन्ग डूइंग है वो उन्होंने मानी है, कन्फेस की है। तो उनको अब अदालत में किसी और को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अदालत उनको डायरेक्टली
उनके ये कह के कि आपने सारा कुछ एडमिट कर लिया है, प्लीड गिल्टी किया है, आपको तो ये सजा मिलती है। और उनके पास, उनके अपने कहने के मुताबिक ही मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर जो भी हैं वो, तो वो सारा का सारा अगर इल्लीगल है तो कुछ ना कुछ सजा किसी को मिले। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था आज के कॉलम का। अच्छा शाहीन सवाई साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जिस तरह से आपने कहा कि 1994 में जब वो इंटरव्यू देते हैं, यकीनन आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन चीज़ों को आप बहुत अरसे से देख रहे हैं, तमाम हालात को आप देखते रहे, तो मुझे ये बताएं कि जब 1994 में वो जर्नलिस्ट जब जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू करते हैं, वो इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि जो उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को भी पैसा दिया, फिर उसके साथ साथ वो 50 मिलियन उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को दिया और सदर आसिफ अली ज़रदारी का, वो उस वक्त नाम लेते हैं और आज नाम नहीं लेते, तो कितना पॉलिटिकल है ये सीन, वाकई क्रिएटेड है, पॉलिटिकली क्रिएटेड सीन है, और किस कदर मुमासलत है? क्योंकि जब मंसूर एजाज का हमने 3 महीने 4 महीने जो पूरा मीडिया ने जिस तरह से हाइप क्रिएट हुई, जिस तरह से सियासतदानों में हाइप क्रिएट हुई, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, एक कैरेक्टर मंसूर एजाज और एक नया कैरेक्टर हमारे सामने ये यूनुस हबीब, क्या इसमें मुमासलत है? पॉलिटिकली क्रिएटेड दोनों पर्सनैलिटीज हैं, दोनों कैरेक्टर्स हैं। देखिए, ये बात कमेंट बिल्कुल किया जा सकता है कि पिछले 3-4 महीने से पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी बहुत अंडर प्रेशर रहे हैं इस मेमोगेट केस में, और मंसूर एजाज एक कैरेक्टर था जो मुसलसल उनके पीछे लगा रहा है, हक्कानी साहब के पीछे लगा रहा है, गवर्नमेंट के पीछे लगा रहा है। अब अगर इनको मौका मिल रहा है जरदारी साहब को टू पे बैक और यूनुस हबीब को लॉन्च करके, वो एक एक तो उससे हटाना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन, क्योंकि अभी आपको मालूम ही है कि मेमो गेट का केस चल रहा है, 15 को फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और मजीद अभी आगे चलेगा, हकानी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, तो ये एक केस तो चल रहा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए यूनुस हबीब को सामने लाया जाए। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूनुस हबीब को तो कोर्ट फॉरन ही कोई ना कोई सजा दे सकती है, क्योंकि इनका तो केस कोई क्लियर केस ठीक है, और तो उसमें जब वो खुद से इतराफ जुर्म कर रहे हैं तो फिर किसी सबूत की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, जरूरत नहीं है, वो खुद कह रहे हैं मैं तैयार हूँ सजा के लिए, आप इनको सजा दीजिए और इनको तो सामने से हटाइए। ठीक है, जो चीजें प्रूफ होनी है वो होती रहेंगी, लेकिन जब एक मुजरिम आपके सामने जो कह रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, तो उसको हमें फौरी तौर पर सजा उसको देनी होगी। बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शर्मिला, आपसे शुरू करूंगी, क्या कमेंट कर रहे हैं, या कोई पे बैक हो रहा है जरदारी साहब की जानिब से, मैं का बदला लिया जा रहा है? शुक्रिया नादिया। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ, और अगर आप तारीख में पीछे चलें तो आपके सामने भी हकायक आएंगे। वो ये है कि 1996 के अंदर जनरल नसीरुल्लाह बाबर मरहूम साहब ने ये बात नेशनल असम्बली के फ्लोर पर उठाई थी कि इस तरीके से ISI के थ्रू सियासतदानों को पैसा दिया गया है, IGI क्रिएट की गई और बीबी साहिबा की हुकूमत को डिरेल करने की कोशिश का, वो डिरेल हुई भी। ठीक है, उसके बाद असगर खान साहब जो कि अब तहरीके इंसाफ के एक अहम मेंबर हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को, और चीफ जस्टिस साहब ने उस ख़त को कन्वर्ट किया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन 184 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो दिस डेट बैक, ये 16-17 साल पहले की बात है, बिल्कुल ठीक है, ये तो अच्छा उसके बाद है। उसके बाद सुन लेना, लेट मी जरा तारीख में जाए ताकि आपके जो नाज़रीन हैं उनको भी समझ आए। उसके बाद इस केस की लास्ट हियरिंग हुई है तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 अक्टूबर 1999, जिस दिन कू हुआ, बिल्कुल उस दिन हुई। ठीक है, उसी दिन असद दुरानी जो उस पहले MI में थे फिर ISI के चीफ बने, उनका एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। मरकजी किरदारों में गुलाम इसा खान साहब थे जो जिन्होंने इलेक्शन सेल बनाया था और तमाम कार्रवाई को मॉनिटर किया था, वो अब नहीं है। नसीरुल्लाह बाबर साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ वहाँ पेंडिंग थी। उसके बाद आपको पता है कि इस केस की हियरिंग नहीं हुई 99 के बाद, फिर मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ जलसों में पीपल्स पार्टी ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी, और बार बार असगर खान साहब ने लिख लिख के पिछले 15 सालों में चिट्ठियां लिख लिख के हर चीफ जस्टिस को लिखा। सुन लें, लेकिन जो कैरेक्टर हमारे दरमियान नहीं है ना शर्मिला, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, बात नहीं करें, लेकिन जो असद दुरानी की जो आप रेफरेंस कर रहे हैं, असद दुरानी का एफिडेविट अब चेंज हो चुका है। मैं आती हूँ ना उनके एफिडेविट के ऊपर, इतना तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से जो मैंने सुना है, आई डोंट नो हाउ फार इट्स करेक्ट, के कुछ जो हल्फिया बयानात हैं वो गायब हो चुके हैं उनके रिकॉर्ड से, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। वो तो कैरेक्टर है, लाइव कैरेक्टर है ना जो हमारे सामने है। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मेरा जवाब तो ले लीजिए। देखिए,
बड़ी मिन्नतें खुशामतें करने के बाद और अजहर खान ने ना जाने कितनी चिट्ठियां लिखी। इमरान खान साहब ने खुद अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुदा के वास्ते अजहर खान का केस उठा लें, अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ने केस उठाया, तो उसमें जरदारी साहब कहाँ से आ गए कि उन्होंने लॉन्च किया? भाई ये तो अजीब गरीब बात है, अब सुन लेना। हबीब की बात कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। बात ये है कि अब जब असगर खान का वो केस उठेगा, वो पिटीशन उठेगी, अच्छा, तो उसमें मरकजी किरदार हबीब है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू टॉक, आई विल नॉट टॉक। मुझे एक सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं क्योंकि देखिए ना, आप बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, बड़ी मुख्तसर सी तारीख है, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा कि जो ये आप इल्जाम लगा रही हैं और जो ये नहीं भाई साहब जो ये कह रहे हैं अपने आर्टिकल के थ्रू कि जी अब उनको ये याद है ये नहीं याद है, ये तो आप यूनुस हबीब से पूछें, मुझसे ना पूछें, पीपल्स पार्टी से ना पूछें। लेकिन आपने कहा ना यूनुस हबीब, यूनुस हबीब को इसलिए पूछा जा रहा है टेलीविजन टॉक शोज पे, तो आप लोग उनको बिठा के बैठे वन ऑन वन इंटरव्यू, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बिठाया भाई, आप पूछे उनसे, ठीक है, उनका इलाज से पूछना है। दूसरी चीज ये है उनको याद है या नहीं है, उनको जिस जिसका नाम मिना ले और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, देखिए जब उनका जिरा होगा बहुत सारी चीजें एक सेकंड में आएंगी। ज़ईम क़ादरी साहब नून लीग का जिस तरह से नाम आता रहा, शहबाज शरीफ साहब का नाम आता रहा, नवाज शरीफ साहब का नाम आता रहा, आज फाइनली शहबाज शरीफ साहब आते हैं सामने और वो कहते हैं कि मैं हर जाने का दावा करूंगा, जो दावा यूनुस हबीब साहब अब कबूल भी कर लेते हैं। किस तरह से वो कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ एक आदमी खुद से गुनाह कबूल कर रहा है, अब किस तरह से आप लोग डिफेंड करेंगे? आप लोग के पास कोई प्रूफ है कि जी आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया? बीबी प्रूफ तो यकीनन कानूनी तौर पे नैब का एक कानून था जिसको हम सब ने बड़ा कन्फ्रंट किया, वो ये था कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जबकि कानून ये कहता है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जो स्ट्राइड चली है पिछले 4-5-6 दिन में वही वजह थी कि जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शर्मिला बीबी इज़ बींग वेरी नाइव ओवर द होल इशू। अर्ज सिर्फ ये है कि यूनुस हबीब का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी साहब के साथ वाज़े तौर पर मौजूद है और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उनकी अपनी जो एंटिटी है, जिस तरह वो जेपडाइज्ड है, जिस तरह वो एक करप्ट और डिसऑनेस्ट आदमी पूरी दुनिया में मशहूर है, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन पीपल्स पार्टी का डिलेमा यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एक तीर से कई शिकार करने निकली थी जिसमें आज वो नाकाम हो गए, क्योंकि यूनुस हबीब साहब ने जो आज माजर के साथ इंटरवीन करूंगी, क्योंकि आपने ये कहा है कि जरदारी साहब के साथ ताल्लुक इनका यूनुस हबीब का बहुत पुराना है, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ कहते थे कि जी ओए चाचा कैसे हो, तो इसके अलावा कोई और बात है आपके पास जो आपको पता हो कि जरदारी साहब से उनका ताल्लुक आप प्रूफ कर सकें? जनाब सफदर जैदी वाली बात, इजलाल हैदर जैदी वाली बात, इन लोगों को सबको अपॉइंटमेंट्स देनी, वो तमाम कर्जे जो अरबों खरबों रुपए के यूनुस हबीब साहब ने किए, वो केसेस हम लाएंगे ना सामने। अब हम जब डेफामेशन का दावा करेंगे बीबी, तो हम उस बंदे की एंटिटी को चैलेंज करेंगे कि एक झूठा आदमी है और कनेक्टेड है कहीं पर। अब कैटेगोरिकली हम ये कहेंगे कि जो ताना बाना बुना गया था और जो पहले दिन से शोर मचाया गया, उसके दो मोटिव्स थे। ठीक है। एक तो वो 8,000 अरब रुपए की करप्शन जो पूरे पाकिस्तान में आज एक मैं समझता हूँ कि कानों तक डूबी हुई है पीपल्स पार्टी, वुजरा जेलों में है, वुजरा पैसे जमा करा रहे हैं, रेलवे हो, पीआईए हो, सीबीआर हो, स्टेट बैंक खुद कह रहा है कि 4,000 अरब रुपए की करप्शन हुई, इसको खत्म कर रहे हैं, इसको प्रूफ होना है और उसी तरह से प्रूफ होगा जैसा मंसूर एजाज, मंसूर एजाज का मैं जरा देंगे साहब से बात करती हूं, एक सेकंड ज़ईम क़ादरी साहब, एक सेकंड इस तरह ना करें ना, मुझे बात तो कर रहे थे आपने शर्मिला बीबी से, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी ना तो मैं आपसे भी बात करूंगी और आप अपनी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा। नईम उल हक साहब मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए प्रोग्राम में, ये बहुत देर से खामोश है, इनको अभी तक हमने शामिल गुफ्तगू नहीं किया, एटलीस्ट डिबेट में इनका इनको कॉन्ट्रीब्यूट करवा लूं मैं। नईम उल हक साहब आप मुझे ये बता दीजिएगा, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। नईम उल हक साहब आप मुझे बताएगा कि आप लोग तो ठीक है, पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर वो पार्टी है कि जब मंसूर एजाज का केस हुआ तो भी आप लोग इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसको कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से प्रूव हो जाए, क्योंकि आप तो ना आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, ना कर रहे हैं, ना नून लीग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपका इस पर स्टैंड आप लोगों का क्या इस इशू पर? अब देखिए इस बात का पस मंजर जो शायद जिस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई है वो ये है कि ISI के चार्टर में एक शक है, और जो उसको मुझे ज़बानी याद है क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ा है या पढ़वाया गया था मुझे, कई साल पहले की बात कर रहा हूँ जब एयर मार्शल साहब अपनी ये तैयार कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ है कि इट शैल बी द रिस्पॉन्स वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ISI
to influence the results of national elections with a view to achieving positive results. ठीक है, 1974 में शामिल किया गया था. अच्छा, ये क्लॉज बकायदा उसमें है, यह जहां तक मेरे इल्म में एयर मार्शल की पिटीशन में ये मौजूद है. सलमान राजा साहब को इस बात का इल्म होगा, एयर मार्शल को भी इल्म होगा. यानी ये कानूनी तौर पर आईएसआई की जिम्मेदारियों में ये शामिल था कि कौमी इंतखाबात को वो उस पर असरअंदाज हों विद अ व्यू टू अचीविंग पॉजिटिव रिजल्ट. अब इसकी डेफिनेशन नहीं है पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब. इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और. ये तो वो नेशनल इंटरेस्ट हो गया. तो देखिए, यूनुस हबीब तो एक मैं समझता हूँ कठपुतली था इस मामले में. अहकामात जो जारी हुए थे, जो भी इकदाम करने थे इस हवाले से, जो पैसे खर्च किए गए थे, वो गुलाम इसाफ साहब को भी इल्म था, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग को भी इल्म था, जनरल दुरानी साहब को भी इल्म था. तो मैं समझता हूँ कि अगर इस केस पे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है कि कौन मुजरिम था, तो वो मैं समझता हूँ कि इन तीनों हजरात जिसमें से गुलाम इसाफ साहब अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हाँ. मगर जनरल बेग और जनरल असद दुरानी पर ज़रूर यह इल्ज़ाम आएगा. मगर वो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी एक कानूनी जिम्मेदारी जिसका हमें हमारे स्टैट्यूट के मुताबिक हक था उसको पूरी की. उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका अभी तक. नहीं, अब देखना यह है कि अगर आईएसए के चार्टर में बाकी ये शेख अभी तक मौजूद है, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है निकाल दी गई. हम ये जानते हैं कियानी ने आकर आईएसआई का जो पोलिटिकल विंग था उसको या तो खत्म किया या कम कर दिया. एक सेकेंड नहीं मिला, मुख्तसर सा ब्रेक. बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नासिर, मुख्तसर देंगे. ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आईएसआई के रोल पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आईबी का भी एक स्टेटमेंट सामने आ गया कि जी आईबी की जानिब से भी पैसे लिए गए थे, दिए गए थे, और पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जो सीक्रेट फंड था. अब असद दुरानी एमआई को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी एक गंभीर सी चीज़ से हमारे सामने आ रही है. बड़ी कॉम्प्लिकेशन मजीद इसमें डेवलप हो गई. मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, हमारे साथ रहिए.